कुम्हारी में जमीन बेचने दो इकरारनामा कर 15 लाख रुपए ठगे जाने का मामला सुपेला थाने में दर्ज हुआ है। अधिवक्ता राकेश कुमार से मदर टेरेसा कैंप निवासी मीनल चौहान ने ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सुपेला थाना अंतर्गत संजय नगर निवासी अधिवक्ता राकेश कुमार दुबे धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। आरोपी मीनल चौहान ने अधिवक्ता को जमीन बेचने के नाम पर 2 इकरारनामा किया और अलग अलग किस्तों में 15 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद भी जिस जमीन की रजिस्ट्री किया जाना तय हुआ था उसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई। ठगी कर आरोपी फरार है। प्रार्थी दुर्ग न्यायालय में अधिवक्ता है। मदर टेरेसा नगर कैंप 1 निवासी मीनल चौहान जमीन खरीदी बिक्री का कार्य करता था। आरोपी पहले भी कुरुद में अधिवक्ता के बेटे को जमीन बेच चुका है। इसके अलावा आरोपी मीनल चौहान अधिवक्ता के बेटे का सहपाठी भी रह चुका है। पिछले साल जुलाई माह में आरोपी ने कुम्हारी में अपने नए प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी। सौदा तय होने के पश्चात प्रार्थी आरोपी द्वारा कहे अनुसार किश्तों में लगातार पैसे देते गया, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर आरोपी प्रार्थी को लगातार गुमराह करता रहा। इसके बाद प्रार्थी को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। तत्पश्चात प्रार्थी ने सुपेला थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। जमीन धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस ने बीते दिनों एफआईआर किया है, जिसमें श्री आर के दुबे के द्वारा पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ था कि उनकी कोई जमीन है कुम्हारी क्षेत्र में। उस जमीन के संबंध में उन्होंने यहाँ एक मीनाल चौहान है, ब्रोकर है, उसको कुछ एडवांस वगैरह दिया था, जिसके बाद पे वो पैसा जो है उसके द्वारा ना लौटाया गया, ना ही जमीन दी गई। के संबंध में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 420 IPC के तहत अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। बहरहाल आरोपी मीनल चौहान ने अधिवक्ता से अलग अलग किस्तों में रुपए लिए और ठगी की बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सुपेला पुलिस आरोपी मीनल चौहान की पता साजी में जुट गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।